में लोकसभा चुनाव को लेकर काफी हलचल देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में कर्नाटक के मांड्या लोकसभा सीट से कांग्रेस ने वेंकट रमनी गोंडा को मैदान में उतारा है। गोंडा करोड़पति उम्मीदवारों की लिस्ट में शामिल हैं। इनके पास इतनी संपत्ति है कि पूछिए मत। कांग्रेस के उम्मीदवार वेंकट रमनी और उनकी पत्नी कुसुम ने 622.96 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की है। इनको स्टार चंद्रू के नाम से भी जाना जाता है। नामांकन दाखिल किए गए हलफनामे के मुताबिक गोंडा की पत्नी उनसे ज्यादा अमीर है। सबसे पहले वेंकट रमने कौन हैं और ये कैसे अपनी ही पत्नी से गरीब है यानी कम पैसे वाले हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। वेंकट रमने मांड्या कर्नाटक से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। गोंडा की निजी संपत्ति 267.05 करोड़ रुपए है और हिंदू अविभाजित परिवार यानी HUF के तहत विरासत में उन्हें 26.59 करोड़ रुपए की संपत्ति मिली। इस तरह से उनके पास कुल मिलाकर 293.64 करोड़ रुपए की संपत्ति है। दाखिल किए नामांकन के मुताबिक गोंडा की पत्नी ने स्टार इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड में 176.44 करोड़ रुपए का निवेश किया है। यानी दोनों आंकड़ों को मिला दिया जाए तो उनके पास कुल 329.32 करोड़ रुपए की संपत्ति है। वहीं NDA ने जनता दल सेक्युलर की राज्य इकाई यानी स्टेट यूनिट के अध्यक्ष और पूर्व CM HD कुमारस्वामी को मांड्या से चुनावी मैदान में उतारा है। अब ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि कौन इस सीट से बाजी मारता है। आपको तो पता ही होगा कि लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा लगभग पूरी कर चुकी हैं। कईयों ने तो नॉमिनेशन फाइल करना भी शुरू कर दिया है। अब लाखों करोड़ों की बात हो रही है तो आपके मन में भी ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि देश के अमीर सांसदों के पास कितने अरब की संपत्ति है। तो पहले आपको बता दूं कि नॉमिनेशन की प्रक्रिया अभी कुछ दिनों तक और चलेगी। इसके बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी कि 2024 की सबसे अमीर सांसदों की लिस्ट क्या है। लेकिन आपको 2019 में लोकसभा चुनाव जीतने वाले सांसदों में सबसे अमीर कौन था और इन लोगों के पास कितनी दौलत थी, ये जानकारी आपको दे देते हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में सांसद बनने वाले टॉप 5 अमीर नेताओं में सबसे पहले नंबर पर कांग्रेस सांसद नकुल नाथ। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा से चुनाव जीतने वाले नकुल नाथ ने कुल 660 करोड़ रुपए की संपत्ति बताई थी। वो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे हैं। दूसरे नंबर पर कन्याकुमारी से जीतने वाले H वसंत कुमार, इनके पास 2019 में 417 करोड़ रुपए की संपत्ति। तीसरे नंबर पर कांग्रेस के टिकट पर बेंगलुरु ग्रामीण सीट से चुनाव जीतने वाले DK सुरेश, उन्होंने चुनावी हलफनामे में बताया था कि वे 338 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। चौथे नंबर पर YSRCP नेता कानुमुडू रघुराम कृष्ण राजा थे, उनके पास 325 करोड़ रुपए की संपत्ति। वहीं पांचवें नंबर पर तेलुगु देशम पार्टी के नेता जयदेव गल्ला थे, जिन्होंने आंध्र प्रदेश की गुंटूर सीट से कड़े मुकाबले में जीत हासिल की थी। उनके पास 2019 लोकसभा चुनाव के वक्त 305 करोड़ रुपए की संपत्ति हुआ करती थी। गल्ला चर्चित उद्योगपति हैं और अमारा राजा बैटरी के मालिक। इसी तरह देश और दुनिया और तमाम ताजातरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत हिंदी।